दिस साइड मोनिका यादव, होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपके 8th क्लास की एक्सरसाइज 8.3 कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर पे टिक करना है। ए पार्ट में हमें क्या दिया हुआ, अ मैन बोट अ बुक्स फॉर ₹250, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 10%। एक इंसान एक बुक्स को ख़रीदता है ₹250 में, हमें बताना है कि वो कितने रुपए में बेचे कि उसको 10% का प्रॉफिट मिले। हमें फाइंड आउट करके देना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। ओके, फॉर्मूले में वैल्यूज फिट करते हैं। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, गेन या प्रॉफिट बोथ आर सेम थिंग, जो कि दिया हुआ है हमें 10%। परसेंट का साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम प्लस 10 लिखेंगे, डिवाइड बाई 100 और कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमें 250। 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 250। ज़ीरो से ज़ीरो कट करेंगे, दोनों ही ज़ीरो आप इस तरह से कट हो जाएंगी। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो हमारे पास ₹275 आएगा। कौन से वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, चेक करते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट करते हैं, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल देन इन दिस ट्रांजेक्शन देयर इज अ। यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में क्या होगा, अगर 4 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस से, तो ऑफकोर्स इस वाले ट्रांजेक्शन में हमारा लॉस होने वाला है। इसमें कुछ भी नहीं बताना लॉस परसेंट वगैरह, सिर्फ हमें बताना है लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपने ख़रीदे हैं 4 आर्टिकल्स ₹20 के, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या आ गया है आपके पास, 20 को डिवाइड करोगे 4 से ₹5 आ गया। और अगर आपने बेचे हैं 5 आर्टिकल्स भी ₹20 के, तो आपका 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो ₹4। देखो कॉस्ट प्राइस ₹5 है और सेलिंग प्राइस है ₹4, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे ₹1 का लॉस हो रहा है ना, ये सिर्फ आपका माइंड सेट करने के लिए है। वैसे इसमें सीधा हम लोगों को आंसर देना है, ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, तो यहाँ पे हमारा लॉस होगा। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट देखिए, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन एट 5% प्रॉफिट इज ₹630, देन द कॉस्ट प्राइस इज। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है एक फ़ैन का ₹630 और बताया गया है कि कितने प्रॉफिट पे बेचा गया है उसको 5% के प्रॉफिट पे। हमें फाइंड आउट करके देना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है क्या होता है, 100 डिवाइड बाई, अगर प्रॉफिट है तो ऐड 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये हमारा डिनोमिनेटर में होता है, मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस। फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज हम अपना आंसर लेके आते हैं। 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट क्या है, 5% का साइन नहीं लगाना होता, मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, 630, तो यहाँ लिख दिया 630। 100 डिवाइड बाई 105 इंटू 630, अभी रिड्यूस करते हैं 5 की टेबल से कट करते हैं, 5 2 10 0 की 0, 5 2 10 5 1 5। अभी इसको 23 की टेबल से ही काटते हैं, 21 की टेबल से ही काटते हैं, 21 1 21 और 21 3 होता है 63, 10 की 10 एज इट इज। अभी आप क्या करोगे, 20 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आपका आंसर आ जाता है, ये रुपीज़ में आता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नाउ मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट कहते हैं, इफ़ 2 आइटम्स ऑफ ₹100 ईच आर सोल्ड, 1 at 10% प्रॉफिट एंड द अदर एट 5% लॉस, देन द नेट प्रॉफिट इज। हमें बताया गया है कि 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है 100 है। हमें बताया गया है कि 2 आर्टिकल जिन दोनों का ही कॉस्ट प्राइस 100 है ईच, ₹100 ईच है ना, तो एक का कॉस्ट प्राइस 100, यहाँ पे दूसरे का भी कॉस्ट प्राइस है 100, एक को बेचा गया है प्रॉफिट से
प्रॉफिट कितना है 10% का, तो दूसरे को बेचा गया है लॉस पे, लॉस कितना है 5%। यहाँ बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दोनों ही पार्ट एक साथ अटेम्प्ट कर लेंगे हम। ओके, अब हमें हम अभी निकालेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है तो ऐड, प्रॉफिट परसेंट जो है ऐड होता है, डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और जब लॉस होता है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 100 में से लॉस परसेंट को माइनस करना होता है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ओके, फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करते हैं और सेलिंग प्राइस निकालते हैं। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 10, परसेंट का साइन नहीं लगाते, 100 प्लस 10 लिख दिया, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 100। ओके, आगे हम करते हैं यहाँ पे 100 में 10 ऐड किया तो 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कट जाएगा और हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा 110। यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, 100 में से माइनस करेंगे लॉस, लॉस कितना हुआ है 5%, तो हमने सिर्फ 5 रखा, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, इसमें भी 100 है, 100 में से 5 माइनस किया तो 95 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आएगा 95 रुपीज़ आएगा। अभी हम दोनों ही सेलिंग प्राइस को ऐड कर देंगे, टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, एक है हमारे पास 110 तो दूसरा है 95, दोनों को ऐड करेंगे, 110 प्लस 95 ऐड करोगे तो आपके पास 205 आएगा। और टोटल कॉस्ट प्राइस भी निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, दोनों ही आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है तो 100 में अगर हम 100 ऐड करेंगे तो हमारे पास 200 आ रहा है। सेलिंग प्राइस कितना ज़्यादा है, हमें प्रॉफिट निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस में से 205 में से माइनस कर देंगे 200, तो इस तरह से नेट प्रॉफिट जो है हमारे पास 5 रुपीज़ का आ जाता है। ये जो है हमारा आंसर है, कौन से वाले ऑप्शन में है, ये थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अ शॉप कीपर बाइज 40 आर्टिकल्स फॉर 1200 एंड सेल देम एट प्रॉफिट ऑफ 12%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करके देना है, जबकि हमें दे रखा है 40 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस, सिर्फ एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करके देना है, तो हम एक आर्टिकल का ही कॉस्ट प्राइस भी निकाल लेंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ओके, कॉस्ट प्राइस दे रखा है हम लोगों को 40 आर्टिकल्स का, 40 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, मेंशन है 1200 रुपीज़, तो यहाँ हमने लिखा 1200 रुपीज़। अभी हमें वन आर्टिकल का क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो 40 आर्टिकल का प्राइस है उसको डिवाइड कर देंगे 40 से, तो हमें वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ज़ीरो से ज़ीरो कट कर दी, 4 1 4 4 3 12, 10 की 0 एज इट इज़, 30 रुपीज़ हमारे पास आ गया है। देन हमें दे रखा है प्रॉफिट, परसेंटेज में दिया हुआ है 12% दिया हुआ है हमें प्रॉफिट, हमें निकाल के देना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो प्लस, डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। चलो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस जो कि हमें नहीं दिया हुआ है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या है 12, तो 100 में हम 12 को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 100 और कॉस्ट प्राइस हमें दिया है वन आर्टिकल का 30, क्योंकि हमें वन आर्टिकल का ही सेलिंग प्राइस निकालना है। आगे का मैं यहीं पे कंटिन्यू करती हूँ, 100 में 12 ऐड किया तो 112, इनको ऐड किया तो 112 आया और डिनोमिनेटर में है 100 ही मल्टीप्लाई बाय 30, इनको अभी हम क्या करते हैं, रिड्यूस नहीं करते, सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
112 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3360, और डिनोमिनेटर में क्या है 100 एज इट इज़ आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल में चेंज कर देते हैं। जब भी हम 10 से या 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा न्यूमरेटर एज इट इज़ आता है। हम काउंट करते हैं, 20 है तो पीछे से 2 प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे। न्यूमरेटर में है 3360, पीछे से 2 प्लेस पे डेसिमल लगना है तो 6 से आगे हम लोग डेसिमल लगा देते हैं। इस तरह से 33.60 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाता है। ये आया है हमारे पास सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आ फार्मर सोल्ड 2 ब्लॉक्स फॉर 18,000 रुपीज़ ईच। On one blocks he gained 20% and on the other he lost 20%. Find his total loss and gain percent. यहाँ हमें बताया गया है कि एक फार्मर ने 2 बैल बेचे हैं। यहाँ हमें बताया है कि एक फार्मर ने 2 बैल बेचे हैं, दोनों का ही जो सेलिंग प्राइस है वो 18,000 है। यहाँ लिखा है ना 18,000 ईच, दोनों का ही सेलिंग प्राइस हम लोगों ने लिख दिया 18,000। कहता है कि एक बैल को बेचा तो उसने गेन किया, गेन परसेंटेज दे रखी है हमने, गेन मतलब प्रॉफिट 20%, और एक पे उसको हुआ है लॉस। कितना लॉस हुआ है, लॉस भी हुआ है 20% का। हमें बताना है कि टोटल ट्रांजेक्शन में उसको लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। अभी हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला आप लोगों को याद हो चुका होगा, कई बार हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं। क्वेश्चन हमारा 2 पार्ट में सोल्व होगा। मैं यहाँ बीच में लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और दोनों को एक साथ कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में 100 माइनस लॉस परसेंट करना होगा। लॉस मैंने आपको बताया है फॉर्मूला में माइनस होता है, इनटू सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं, 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है हमारे पास, 20 है, 20 हम लोगों ने लिखा, परसेंट का साइन नहीं लगाना, इनटू सेलिंग प्राइस क्या है 18,000। इसी तरह से यहाँ पे भी वैल्यू पुट करते हैं, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस करेंगे इस बार इनटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 18,000 ही है इसका भी। ओके, 100 डिवाइड बाय 120 इनटू 18,000। इसको यहाँ पे भी हम कर लेते हैं, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा 80 इंटू 18,000। अभी हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। पहले 0 से 0 कट की, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, 2 0 की 2 0 आई, 2 की टेबल से कट किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 1 0 की 1 0। 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 150 एज इट इज़, 100 में 2 जीरो आती है तो 2 जीरो, 15,000 आया है हमारे पास कॉस्ट प्राइस एक बैल का। और दूसरे बैल का कॉस्ट प्राइस भी हम यहाँ निकाल लेते हैं, इसको भी रिड्यूस करते हैं। 0 से 0 कट की, 2 4 जा 8, 2 9 जा होता है 18, 2 जीरो की 2 जीरो। अभी हम 4 के टेबल से ही कट कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। और इसको अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,500 हमारे पास आएगा कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले बैल का। अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। हमें निकालना है टोटल कॉस्ट प्राइस, तो हम दोनों का ऐड करेंगे कॉस्ट प्राइस। एक का कॉस्ट प्राइस आया है 15,000 तो दूसरे का आया है 22,500, दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 37,500 और टोटल हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है, टोटल सेलिंग प्राइस है दोनों बैलों को बेचा गया है 18,000 का,
तो 18,000 प्लस 18,000, तो यहाँ से हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस कितना आता है, 36,000। अब आप लोग क्या देख रहे हो कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ हम लोगों ने लिखा लॉस दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस में थे, 37,500 में से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, 36,000 को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो 1,500 हमारे पास आएगा। अब जो है हमें लॉस परसेंट भी निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लॉस ऊपर होता है और लॉस परसेंट निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100%, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं, लॉस जो कि 1500 हम लोगों के पास आया है, टोटल लेंगे कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, 37,500। तो हमने डिनोमिनेटर में लिखा 37,500 मल्टीप्लाई बाय 100%। अभी हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करके अपना आंसर निकालना है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ। ज़ीरो से ज़ीरो कट करते हैं, अभी फाइव के टेबल से काटते हैं, 5 3 15, 5 7 35 और 5 5 25। वापस से 3 के टेबल से कट करते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। अभी 25 के टेबल से ही कट कर देते हैं, 25 1 25, 25 4 100। इस तरह से हमारे पास लॉस आता है 4% का।